हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी जैम मैथमेटिक स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो जिनको नहीं पता है उनको बता दो कि आईआईटी जैम में मैथमेटिक्स फील्ड में दो अलग अलग पेपर होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स और एक होता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो दोनों के सिलेबस में, दोनों के जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं और दोनों में जो आईआईटीज प्रोवाइड सीट्स देती है, सब में डिफरेंस है। सारी आईआईटीज में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नहीं है, वो भी हम देखेंगे। दोनों का कट ऑफ भी अलग होता है, मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल दैट प्रोबेबिलिटी एंड ऑल, अगर आपने अपने अंडरग्रेड में ये सब पढ़ा है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड सो यू शुड गो फॉर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा एक कोर्स है, ठीक है। एमएससी में आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा डीप में, और आपको पता ही है कि आजकल स्टैटिस्टिक्स का कितना डिमांड है। अगर उसमें कोडिंग मिला दिया जाए तो कहाँ कहाँ वो चले जाता है, डेटा एनालिसिस एंड ऑल दैट बहुत सारा आ जाता है, राइट। तो थोड़ी सी बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, फिर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसका मतलब कौन कौन सी आईआईटीज जो है ये मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है, सब पे बात करेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिलेबस की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो पेपर है उसमें 30% जो है वो मैथमेटिक्स का वेटेज है और 70% जो वेटेज है वो स्टैटिस्टिक्स का है। तो ऑब्वियसली मेन फोकस तो स्टैटिस्टिक्स पे रहेगा, राइट। जो 30% मैथमेटिक्स पे फोकस है वो हम देख लेते हैं। उसमें देखो सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर है, जो कि आई गेस मैथमेटिक्स वाले पेपर में भी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ डाला होगा या फिर निकाला होगा, बाकी तो सेम ही है। फिर डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन एंड टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये सिलेबस भी वहां पर है, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐड हुई होंगी, कुछ रिमूव हुई होंगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स के पार्ट में आ गया। इंटीग्रल कैलकुलस जो कि वहां से आई थिंक निकल गया है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से, बट यहाँ पर है, राइट। उसके बाद आता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो इसमें आपका बेसिकली वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर स्पेस, फील्ड, स्क्यू मैट्रिक्स एंड ऑल दैट, तो ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है जो कि चार है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, इसमें आप देख सकते हैं पहला है प्रोबेबिलिटी, तो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट है एंड ऑल दैट जो भी है, ठीक है। उसके बाद यूनिवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक रैंडम वेरिएबल जिसमें होता है। फिर स्टैंडर्ड यूनिवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसके कितने अलग अलग तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बर्नौली, बाइनोमियल एंड ऑल दैट, नॉर्मल, ठीक है। फिर आता है मल्टी वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो उसके टाइप्स होते हैं, और फिर लिमिट थ्योरम आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम एंड ऑल। फिर सैम्पलिंग आता है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, अलग अलग तरह से डेटा को कैसे सैम्पल किया जाता है वो, जो कि मेन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट आ जाता है। एस्टिमेशन आता है और मेथड ऑफ एस्टिमेशन आता है, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आता है, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो इतना जो है आपको कवर करना है, मोस्टली जो है स्टैटिस्टिक्स का आई थिंक उतना यूट्यूब पे भी ज्यादा कुछ है नहीं जहां तक मेरा नॉलेज है, होगा तो आई डोंट हैव मच आइडिया बट शायद नहीं है उतना, बट मैथमेटिक्स के बारे में बहुत है। तो ये तो आप जो है आई थिंक यूट्यूब वगैरह से भी कवर कर सकते हो और स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह से भी कवर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बुक मैं रिफर करूंगा वो है एससी गुप्ता, ओके। मैं अभी उसका पीडीएफ भी दिखा दूंगा और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फ्रॉम देयर यू कैन कवर। तो अब हम बात करते हैं कि इसका कौन कौन सी आईआईटीज जो है वो प्रोवाइड कराती है, राइट। तो उसके लिए हम चलते हैं आईआईटी जैम 2022 के कट ऑफ पे, ओके, लेट्स गो। आईआईटी जैम 2022 का कट ऑफ पे चलते हैं, जो कि हम ऑफिशियल पे जाएंगे, जो कि आईआईटी रुड़की ने आई गेस कंडक्ट किया था, राइट। तो ऑफिशियल पे जाके थोड़ा हमें अच्छे से पता चलेगा, वन सेकेंड कट ऑफ निकाल देते हैं। आईआईटी रुड़की, ओके, तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि जो कट ऑफ आई थी लिस्ट, तो यहाँ पे सारे लिस्ट आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, राइट। फर्स्ट लिस्ट को जरा डाउनलोड करते हैं और लेट्स सी। वैसे तो बहुत ज्यादा आईआईटीज प्रोवाइड नहीं करती है, दो या तीन ही है। अब हम इसमें स्टैटिस्टिक्स सर्च कर देते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स सर्च करने पे हमें देखिए क्या मिलेगा, वन सेकेंड।
तो एक तो है अपना, मैं जरा बढ़ा देता हूँ, आईआईटी बॉम्बे, दिख रहा है आपको, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, तो इसके लिए आपको जो एग्जाम चाहिए वो चाहिए एमएस, 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। और रैंक ओपनिंग देखो जनरल कैटेगरी की, वो है 1 से लेके 21 तक, ये फर्स्ट लिस्ट में हम चल रहे हैं अभी, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 34 to 47, देन ओबीसी का 28 to 115, एससी का 27 से 246, एसटी का है 197 to 784, और जो जनरल पीडब्ल्यूडी है उनका है 229 to 229, एक ही रैंक में है, ठीक है। और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू इन सब के लिए जो नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये आईआईटी हो गया, आईआईटी बॉम्बे जो प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आईआईटी पे चलते हैं, तो वो है आईआईटी कानपुर, तो सेकेंड आईआईटी है। तो इसमें देख लेते हैं, जनरल का जो स्टार्टिंग है वो 13 से 54 है, एंड अकॉर्डिंगली अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। एंड थर्ड पे आते हैं तो हमें दिखेगा वो है आईआईटी तिरुपति, ठीक है। तो इसके 310 से 531 तक है, तो आप लोग अपना एस्टिमेशन लगा लेना। बट हम जाते हैं फाइनल पे कि फोर्थ लिस्ट में क्या कट ऑफ आई थी, ताकि हमें एकदम बिलो एवरेज पता चले, ठीक है। तो बिलो पे जाते हैं, तो अगर हम इसमें स्टैटिस्टिक सर्च करेंगे तो आईआईटी बॉम्बे का जो सबसे मिनिमम कट ऑफ था वो देखते हैं, वो जनरल के लिए था 1 से 22 तक ही था, फोर्थ वाले में भी, ठीक है। उसके बाद जो कानपुर का था वो था मैक्सिमम 197, एंड जो आईआईटी तिरुपति का था वो था 662। तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से पता चल जाएगा कि फोर्थ लिस्ट में कितना कट ऑफ आया था, राइट। तो 650 तक मैक्सिमम जा रहा है यहाँ पे, राइट। तो इस हिसाब से आप पता लगा सकते हो। सेम आप मैथमेटिक्स में भी जाके देख सकते हो कि किस आईआईटी में कितना कट ऑफ है, तो आप अपना रैंक का एस्टिमेशन लगा सकते हो उस हिसाब से भी। नाउ बात करते हैं कि कौन सी बुक इसके लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको चाहिए। तो हमने बात किया था एससी गुप्ता, बिकॉज ये तो ऊपर की मैथमेटिक्स है, तो इसके लिए तो बुक आपको बहुत मिल जाएंगी, वीडियोस भी बहुत मिल जाएंगी, ठीक है। तो एससी गुप्ता बुक पीडीएफ अगर आप सर्च करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पीडीएफ, तो आपको देखो ये यहाँ पे एक मिल गया। एंड अगर हम इसमें जाते हैं, वन सेकेंड, आई थिंक इसमें चलते हैं, तो हाँ, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये अराउंड 1300 पेज का बुक है ये। हाँ, तो इसमें आपका पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स कवर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत है स्टैटिस्टिक्स में। 1500 से ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ठीक है, 650 सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, तो इतना तो हद से ज्यादा हो गया, ठीक है। और ये पूरा सिलेबस है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा लेकिन कुछ छूटेगा नहीं। तो जो आपका ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन था उसके लिए तो आप यही रिफर कर सकते हो, ठीक है। और मतलब कोई जो अगर टॉपिक समझ में ना आता है तो आपने यूट्यूब पे सर्च कर लिया, दैट इज द डिफरेंट केस, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा और कोई जरूरत है, ठीक है। नाउ हम आने वाले वीडियोस में हम किसी स्टूडेंट से ही बात करेंगे जिसने एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स किया हो, सो दैट हमें पता चले कि क्या अपॉर्चुनिटीज आगे हैं, क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मेरी ईमेल आईडी पे भी मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।